नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अनुपात एवं समानुपात भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हम तुल्य अनुपात किसे कहते हैं, और इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि अनुपात की तुलना किस प्रकार की जाती है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, अपने पिछले वीडियो में अनुपात वाले पाठ में मैंने आपसे पूछा था कि 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर के साथ अनुपात कितना होगा। आशा करता हूं कि आप इस प्रश्न को अपने घर पे हल करने का कोशिश किए होंगे। आइए अब मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर तुलना करेंगे 2 मीटर का 50 सेंटीमीटर से। अब जैसा कि आपको याद होगा कि अगर हमारे पास भिन्न मात्रक हैं, तो हमें इन दोनों को सामान्य मात्रक में लाना होगा। अब एक मात्रक को अगर हम दूसरे मात्रक में बदल सकते हैं, तो हम हमेशा बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदलते थे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितने हो गए? जी हाँ, 200 सेंटीमीटर। तो अब हम 2 मीटर की जगह लिखेंगे 200 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की जगह लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एवं भिन्न के अंश भाग में दोनों में ही शून्य वाले संख्याएं हैं, और इनके अगर हम हर भाग में देखें तो 1 शून्य है, तो हम ऊपर वाले 1 शून्य से इन दोनों को हटा सकते हैं। तो इनको हटाने के बाद जो हमें भिन्न ज्ञात होगा वह 20 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर होगा। अब इनके दोनों के मात्रक भी बराबर हैं, तो हम इन दोनों के मात्रक को भी आपस में हटा सकते हैं। तो हमें जो अब भिन्न ज्ञात होगा वह 20/5 होगा। 20/5 को अगर हम देखें तो हम इनका विभाजन 5 से कर सकते हैं। तो इन दोनों का विभाजन 5 से करने पे जो हमें उत्तर ज्ञात होगा वह होगा 20 को 5 से विभाजन करने पे 4 और 5 को 5 से विभाजन करने पर 1। तो हम कह सकते हैं कि यह 4/1 होगा। और अगर इसे हम अनुपात में बदलें तो हम इसे 4:1 लिख सकते हैं, और यही हमारा उत्तर होगा। आशा करता हूं आपका भी यही उत्तर आया होगा। तो आइए अब हम आज के दूसरे पार्ट पे चले। तो सबसे पहले है तुल्य अनुपात। अब तुल्य अनुपात बताने के लिए मैं आपको अपने 2 दोस्त से मिलाऊंगा। यह है राधा और यह है मोहन। यह भी आपकी तरह कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। अब मैंने मोहन को अगर 1 सेब दिया, तो राधा को मैंने 3 सेब दिया। ठीक इसी प्रकार अगर मैं मोहन को 2 गेंद देता हूं, तो मैंने राधा को कुल 6 गेंद दिए। अब अगर हम अनुपात निकालते समय सबसे पहले हम अगर सेब का अनुपात निकाले, तो हम मोहन के पास जितने भी संख्याओं के सेब हैं, उनका तुलना हम राधा के पास वाली संख्याओं के सेब से करेंगे। तो मोहन के पास कुल थे 1 सेब और राधा के पास थे कुल 3 सेब। तो हमने तुलना की 1 सेब की 3 सेब के साथ। तो अब इसे अगर हम संख्याओं में लिखें, तो हम इसे 1/3 लिख सकते हैं। इस भिन्न की अगर हम देखें तो कोई भी ऐसी प्राकृत संख्या नहीं है जिससे इन दोनों को विभाजन किया जा सके। तो हम इसे कहेंगे कि 1/3 ही इसका सरलतम रूप होगा, और इसे अनुपात में लिखें तो हम 1:3 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हम अनुपात निकालना चाहें गेंद का, तो मोहन के पास वाली संख्याओं के गेंद का अगर हम तुलना करें राधा के पास वाली संख्याओं के गेंद से, तो हमारे पास आएंगे 2/6। अगर हम 2/6 की तुलना करें, तो आप देख सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में हम अगर 1 को छोड़ें तो 2 वह संख्या है जिससे कि हम 2/6 दोनों का विभाजन कर सकते हैं। तो 2/6 में 2/6 का विभाजन कर जो हमें संख्या ज्ञात होगी वह 1/3 होगी। तो यही हमारे पास मोहन के पास वाली गेंद की संख्याओं का राधा के पास वाली गेंद की संख्याओं के साथ अनुपात होगा। अब हम जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हमने सेब की तुलना की थी, तो मोहन के पास वाली सेब की संख्याओं का तुलना कर राधा के पास वाली सेब की संख्याओं के साथ तुलना कर जो हमें अनुपात ज्ञात हुआ था वह हमें 1/3 हुआ था। ठीक इसी प्रकार जैसा कि आपको याद होगा कि अगर हमने मोहन के पास वाली गेंदों की संख्याओं का अनुपात हमने राधा के पास वाली गेंदों की संख्याओं के साथ ज्ञात किया था, वह भी 1/3 ही था। तो दोनों का उत्तर हमें क्या ज्ञात हुआ? 1/3। तो जैसा कि यह दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यही हमारा तुल्य अनुपात है। जी हाँ, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं
कि हर भाग व अंश भाग दोनों ही दोनों अनुपातों के बराबर हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं सिर्फ गेंद की संख्याओं को राधा व मोहन में आपस में बदल दूं, यानी कि जितने गेंद मैंने राधा को दिए थे वह मैं मोहन को दे दूं और जितने गेंद मोहन को दिए थे मैं राधा को दे दूं, तो जो इसमें बदलाव ज्ञात होगा वह हमें गेंदों के संख्याओं के अनुपात में बदलाव ज्ञात होगा, वह होगा 3/1। अब जैसा कि हर भाग व अंश भाग दोनों ही अनुपातों के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि यह दोनों तुल्य अनुपात नहीं है। तो चलिए हमें यह तो मालूम चल गया कि इस तुल्य अनुपात में यह तुल्य नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यह तुल्य नहीं है तो इनमें कौन सा अनुपात बड़ा है व कौन सा अनुपात छोटा है, तो इसके लिए हम फिर से तुलना करना सीखेंगे। तो आइए अब हम अनुपातों के बीच तुलना करना सीखते हैं। सबसे पहले हम अनुपातों को जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हम इनके हर भागों को देखेंगे, जैसा कि एक का हर है 3 और एक का हर है 1। अब इनके पहाड़े में हम यह देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो दोनों के ही पहाड़े में आती है। तो 3 वह सबसे छोटी संख्या है जो दोनों के ही पहाड़े में आती है। तो अब हमें यह देखना है कि 1/3 में हम 3 में कितना गुना करें कि इसके उत्तर में 3 आ जाए। तो हम जानते हैं 1, तो हम इसके अंश भाग में भी 1 गुना करेंगे, तो 1 से 1 गुना करने पे 1 ज्ञात होगा। ठीक इसी प्रकार 3/1 में हम 1 में कितना गुना करें कि इसके उत्तर में हमें 3 ज्ञात हो, तो हम जानते हैं कि हमें 3 गुना करना होगा, तो हम अंश वाले भाग में भी 3 गुना करेंगे तो हमें 9 ज्ञात होगा। अब जैसा कि दोनों के ही हर भाग बराबर हो गए हैं तब हम इनके अंश भागों की तुलना करेंगे। तो अंश में 1/1 था और 1/9, तो बताइए 1 व 9 में वह कौन सी संख्या है जो बड़ी है। तो जी हाँ, अगर आपका उत्तर 9 है तो आप बिल्कुल सही हैं। 9 वाली संख्या 1 से बड़ी होती है। तो 9 किस अनुपात का भाग था, तो वह 3/1 वाले अनुपात का भाग था। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 व 3/1 में 3/1 बड़ी वाली अनुपात है। तो अब आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि 3:4 एवं 5:7 क्या यह तुल्य अनुपात है कि नहीं, और अगर नहीं है तो इनमें से कौन सा अनुपात छोटा है और कौन सा अनुपात बड़ा है। तो आप इसका उत्तर अपने घर पे ज्ञात करिएगा, आप चाहें तो इस प्रश्न को यहाँ पर लिख लें और मैं आपको इसका उत्तर अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह जाना कि तुल्य अनुपात क्या होते हैं, और इसके बाद हमने यह भी जाना कि अनुपात की तुलना किस प्रकार की जाती है, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि जो हमारा हर भाग होता है उन्हें हमें बराबर करना होता है। अब अपनी अगली वीडियो में हम यह जानेंगे कि राशियों का समानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।